वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया तथा एक भारतीय अधिवक्ता और एक राजनेता भी थे, हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी हमारे देश की एकीकरण में जो भूमिका रही है वो अभूतपूर्व रही है और स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का इन्होंने मार्गदर्शन किया था, इसलिए लोग इन्हें सरदार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हिंदी, उर्दू और फारसी में सरदार का जो मतलब है वो प्रमुख होता है। और जब इन्होंने बारदोली सत्याग्रह किया था उस समय वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार के नाम से उपाधि दी थी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर तिवारी स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम वर्डिस बिगिंस में। आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको उनके जीवनी से लेकर के भारतीय संघर्ष में क्या क्या उन्होंने किया था वो सारे डिटेल हम वहाँ पे देने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पे अभी तक मैंने बायोग्राफी ऑफ भगत सिंह और बायोग्राफी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र की वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद और अटल बिहारी की वीडियो मैंने डाली हुई है। आज मैं सरदार पटेल की डाल रहा हूँ। ये सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर इन वीडियोस को देखिए और डेफिनेटली आपको अपने फ्रीडम फाइटर के बारे में जानकर एक प्राउड फील होगा। तो चलिए जानते हैं सरदार पटेल के बारे में। एक्चुअली सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था, नदियादा बंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। मृत्यु 15 दिसंबर 1950, 75 साल की उम्र में हुई। भारतीय थे। उनके बच्चों के नाम में देखूं तो मणिबेन पटेल और दाहा भाई पटेल। इस तरीके से वो पेशे की तरह से देखा जाए तो वो एक वकील थे पहले और बाद में एक भारतीय राजनीतिज्ञ भी बन गए। तो चलिए जानते हैं अब उनके जीवन परिचय के बारे में। पटेल जी का जन्म नडियाद गुजरात में एक लेवा पटेल जाति में हुआ था। वे झवेर भाई पटेल एवं लाडलवा देवी की चौथी संतान थे और सोमा भाई, नरसी भाई और बिट्टल भाई उनके अग्रज थे, यानी उनसे वो बड़े थे। इसके अलावा जो उनकी शिक्षा थी वो मुख्यतः खुद ही पढ़ा करते थे क्योंकि वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई जो थी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने खुद ही ज़्यादातर पढ़ाई की थी। बाद में वो लंदन जाकर बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे थे। बाद में वो महात्मा गांधी जी से प्रेरित हुए और उनके विचारों से प्रेरित होने के बाद भारत में के स्वतंत्रता आंदोलन में पार्टिसिपेट उन्होंने करना शुरू कर दिया था। तो देखते हैं उनका जो जीवनी था कहां से स्टार्ट हुआ था। तो एक्चुअली जब वो गांधी जी से प्रेरित हुए थे तो सबसे पहली बार वो खेड़ा संघर्ष यानी खेड़ा सत्याग्रह में वहां पर गए थे और वहां पर उन्होंने अपना जो भी वर्चस्व दिखाया जिससे उनके बारे में एक्चुअल इमेज निकल करके आती है। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान था 1918 में, जो कि खेड़ा सत्याग्रह में हुआ था। गुजरात का खेड़ा खंड उन दिनों भयंकर सूखे से जूझ रहा था। वहां के किसान बहुत परेशान थे। किसानों ने अंग्रेजी सरकार से भारी कर में छूट की मांग की थी। जब ये स्वीकार नहीं माना गया तो सरदार पटेल और गांधी जी अन्य लोगों ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष को राहत करार देते हुए सरदार पटेल की सफलता को माना गया। तो इस तरीके से सरदार पटेल खेड़ा में सफल हुए और किसानों को उनकी मांग दिलाई, उनके हक को दिलाया इस तरीके से। इसके बाद जो उनका दूसरा सत्याग्रह होता है वो बारदोली सत्याग्रह। वहां भी उन्होंने अपने कार्य को कुछ इस तरीके से बताया कि बाद में लोग उन्हें सरदार के नाम से जानने लगे। एक्चुअली बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ। कुछ चीजें आपको नोट डाउन भी कर लेनी चाहिए, जैसे खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, वही बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। उस समय पारंत्रय सरकार ने किसानों की लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस लगान की वृद्धि का जमकर विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम भी उठाए, परंतु सरकार को विवश होना पड़ा था। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण
अब मामलों की जांच करने के बाद जो यहाँ पर 22% जो वृद्धि लगाई करी गई थी उसे गलत ठहराया और उसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। इस तरीके से सरदार जी, इस तरीके से जो आंदोलन सफल होने के बाद वहां के लोगों ने, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी गई और बाद में ये सरदार पटेल के नाम से जाने लगे। तो किसान संघर्ष एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर संबंध की व्याख्या बारदोली किसान संघर्ष के संदर्भ में ही करते हुए गांधी जी कहते हैं कि कोशिश हमें हर वर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज के करीब पहुंचा रही है और हमें, हम सबको स्वराज की मंजिल तक पहुंचने में ये संघर्ष सीधे स्वराज के लिए संघर्ष से कहीं ज्यादा सहायक सिद्ध हो रही है। एक्चुअली गांधी जी भी सरदार पटेल से काफी ज्यादा प्रेरित हुए थे क्योंकि इनकी जो कार्य करने की जो टेक्निक्स थी वो काफी ही अलग थी और इस तरीके से सरदार हर अपने टेक्निक्स में सफल हो रहे थे। बात करते हैं आजादी के बाद किस तरीके से सरदार ने भारत के एकीकरण में अपनी भूमिका निभाई थी। यद्यपि अधिकांश प्रांतीय कांग्रेस समितियां पटेल के पक्ष में थी, फिर भी गांधी जी की इच्छा का आदर करते हुए सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिए। एक्चुअली गांधी जी चाहते थे कि जो नेहरू हैं वो प्रधानमंत्री बने। हालांकि जो भी वोटिंग हुई थी उसमें ज्यादातर वोटिंग सरदार पटेल को हुई थी और नेहरू को बिल्कुल भी कम हुई थी। ऐसे में नेहरू से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था दूसरे नंबर पे, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बनने से। फिर बाद में चलकर सरदार पटेल जी उप प्रधानमंत्री बने एवं गृह मंत्री का कार्य उन्होंने संभाला। इसके बावजूद भी नेहरू और पटेल के संबंध तनावपूर्ण ही रहे थे। इसके चलते कई बार उन दोनों में ऐसे तनाव होते हुए जिसकी वजह से वो दोनों ने अपने अपने पद को त्याग करने की धमकियां भी दे डाली थी। अब बात करते हैं देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में कि किस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों का एकीकरण किया। एक्चुअली स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। आप इसको याद रखिएगा, 562 देशी रियासतें थी और इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आजादी के ठीक पूर्व ही बिपिन मेनन के साथ मिलकर राज्यों को भारत में मिलाने के लिए कार्य संभाला। एक्चुअली बिपिन मेनन भी सरदार पटेल के बहुत बड़े साथी थे और बहुत ही बड़े नॉलेजफुल पर्सन थे और उनके साथ मिलकर इन्होंने देशी रियासतों को एक करने की सोची थी। पटेल और मेनन ने देश की राजाओं को बहुत समझाया और उन्हें स्वायत्ता देने का संभव नहीं होगा ऐसा बोला कि हम आपको स्वायत्ता नहीं दे सकते हैं, आपको भारत में मिलना ही होगा, जिसकी वजह से 3 देशी रियासतों को छोड़कर बाकी सभी देशी रियासतें भारत में मिलना स्वेच्छापूर्वक मिल गई थी। वो 3 देशी रियासतें थी जम्मू, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों देशी रियासतों ने यहाँ पर मिलने से इनकार कर दिया था। एक्चुअली जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी। आप देख सकते हैं कि ये जो गुजरात का जो पार्ट है यहाँ पर जूनागढ़ प्रोविंस था जो कि इंडिया की टेरिटरी से चारों तरफ घिरा हुआ था। ये पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं था लेकिन फिर भी वो वहां का जो राजा था वो पाकिस्तान के साथ मिलने का यहाँ पर अपना ऐलान कर दिया। जब सरदार पटेल को पता चला कि यहाँ पर कि राजा ने यहाँ पर पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए ऐलान कर दिया, एक्चुअली यहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था और यहाँ की जो जनता थी वो हिंदू थी, फिर बिपिन मेनन को यहाँ पर भेजा गया और उन्हें यहाँ पर जनमत संग्रह कराने की बात की, लोगों को समझाया गया और बताया गया। इसके बाद वहां पे जब जनमत संग्रह हुआ तो वहां के ज्यादातर लोग भारत में शामिल होना चाहते थे जिसकी वजह से वहां का जो राजा था वो भाग करके पाकिस्तान चला गया। तो इस तरीके से 15 अगस्त 1947 के बाद यहाँ पर जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत में इस तरीके से पूरी तरीके से मिल चुका था। फिर बात आती है कि फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया था और जिस तरीके से भारत में वो मिला था। एक्चुअली वहां का सबसे बड़ा जो प्रोविंस था वो था हैदराबाद। आप जानते हैं कि हैदराबाद जो था सबसे बड़ा प्रोविंस था इंडिया का और वह भी नहीं चाहता था इंडिया में शामिल होना। इसकी वजह से वो हैदराबाद का जो निजाम था वहां पर अपनी सेनाओं में इजाफा करने लगा, अपने हथियार गोले बारूद बढ़ाने लगे, जिसकी वजह से पटेल काफी ज्यादा चिंतित हो उठे।
अंततः भारतीय सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर दी और 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया गया। इस तरीके से हैदराबाद का भी यहां पर विलय हो चुका था। बाद में बारी आती है जम्मू कश्मीर की, तो नेहरू ने कश्मीर को यह कहकर अपने पास रख लिया था कि यह राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है और इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर के जाया जाएगा, जिसकी वजह से ये विवाद काफी लंबा हो गया। और एक्चुअली जम्मू कश्मीर को और पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया था उस टाइम पे। यहाँ के जो राजा थे वो राजा हरि सिंह थे और उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उनके ऊपर इतनी आक्रमण तरीके से पाकिस्तान अटैक कर देगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो राजा थे वो चाहते थे कि अकेला एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, लेकिन यहाँ के कबीलाई ग्रुपों ने पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया था और आधा क्षेत्र यहाँ से ऑक्यूपाई कर लिया गया था। फिर राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के आकेश मिला और उन्होंने बताया कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ऐसे में जो सरदार पटेल थे और नेहरू थे, इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, पर उन्होंने अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन उसमें एक आर्टिकल 370 क्लॉज जोड़ा गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग ही संविधान होगा, वहां पे एक अपनी ही अलग रूल होगी, ऐसा कुछ वहां पे कर दिया गया था, जिसका परिणाम आज तक लोगों को भुगतना पड़ा था। तब जाकर के फाइनली 5 अगस्त 2019 को मोदी गवर्नमेंट ने यहां पर 370 धार को हटाया और अब ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन करके रह गया है। तो ऐसे में भारत के एकीकरण में सरदार पटेल ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई, एक अलग ही अपनी भूमिका निभाई। आपको बता दूं कि जो हैदराबाद था उसके ऊपर जो भारत की सेना ने जब उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी या फिर किया था, तो उस ऑपरेशन को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में काफी बार इसको पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखें कि ऑपरेशन पोलो जो है वो हैदराबाद को भारत में विलय की एक कहानी है। तो इस तरीके से सरदार पटेल, जो कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, अपनी कार्यशैली में काफी ही ज्यादा प्रगाढ़ थे और इस तरीके से उन्होंने भारत को एकीकरण किया और इन्हीं के नाम पर 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एकता दिवस मनाया जाता है, यूनिटी डे मनाया जाता है। फाइनली बात करते हैं कि जो सरदार पटेल थे उनका निधन हो गया था 15 दिसंबर 1950 में, 75 साल की उम्र में ये स्वर्ग सिधार गए थे। तो 31 अक्टूबर 1875 इनका डेट ऑफ बर्थ था, 15 दिसंबर 1950 को इनका देहांत हो गया था। सम्मान की बात करें तो सरदार पटेल को मिलने वाले बहुत सम्मान थे, उनमें से जो प्रमुख सम्मान थे उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र अहमदाबाद में बनाया गया है, गुजरात में एक विश्वविद्यालय बनाया गया इनके नाम पर और मरणोपरांत इनको 1991 में भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। और उन सब में जो सबसे बड़ी सम्मान इनको मिली स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में, जो कि अहमदाबाद वहाँ नर्मदा नदी की तट पर इसको बनाया गया है। एक्चुअली स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ऊंचाई है वो 240 मीटर है, जिसमें अगर हम बेस की बात करें तो वो 58 मीटर है और वहीं इस मूर्ति की पूरी ऊंचाई 182 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है अब तक बनी हुई। और ये पूरी की पूरी मूर्ति आयरन से बनी हुई है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 137वीं जयंती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया था और इस तरीके से ये मूर्ति बन करके तैयार हुई थी। आज के टाइम पर भी यहाँ पर जाने वाले, यहाँ पर जो दर्शन करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में सरदार पटेल हमारे दिलों में हमेशा ही राज करते आए हैं। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कैसा लगा आपको अपने सरदार पटेल के बारे में, आयरन मैन ऑफ इंडिया के बारे में जान करके, कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद जय भारत।